हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में आपके साथ एक स्पेशल रिव्यू लेके आई हूँ जो कि है ऑन द प्रोडक्ट डॉटन की का केमिकल पील। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल पील चल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डॉटन की का केमिकल पील जो है वो ट्राई करूँ और आपके साथ इसका मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ और साथ ही साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम पैकेजिंग की बात करते हैं। पैकेजिंग में ये कुछ इस लैवेंडर कलर की पैकेजिंग में आता है और जो कि काफ़ी प्रिटी पैकेजिंग है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग। और ये मैग्नेटिक टाइप है और ये यहाँ से खुलता है। यहाँ से खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट मिलता है। एक्चुअल प्रोडक्ट को आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं या फिर इसको ऊपर से भी निकाल सकते हैं जब इसको आप खोलते हैं। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये जो प्रोडक्ट है ये डॉटन की स्किन केयर का है और ये है हाइड्रो पील ग्लो पोशन जो कि कंटेन करता है 10% AHA एंड 2% BHA। और ये एक एक्सफोलिएटिंग सीरम है जो कि आपकी हेल्प करता है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में और आपको स्किन को ब्राइटनिंग और ग्लोई बनाने में। और इसमें ये कंटेन करता है ग्रेपफ्रूट एंड बोरेज फ्लावर के एक्सट्रैक्ट्स जो कि मतलब ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये इसमें कंटेन होता है AHA एंड BHA जो कि आपकी जो अपर लेयर है उसको एक्सफोलिएट करती है और आपकी स्किन को काफ़ी यूथफुल एंड ब्राइटफुल बनाती है। केमिकल पील ये सब करती है हमारी स्किन के लिए। और मैंने इसको ट्राई किया है अप्रोक्स 3-4 टाइम्स। मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और मैंने इसको अपने पैसों से ख़रीदा है नायका से। और इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ये इसका जो कलर है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसको यहाँ से निकालने में थोड़ा इश्यू होता है बट मैं इसको प्रेफर करती हूँ यहाँ से निकालना हमेशा। तो एक्चुअल पैकेजिंग इसकी ये है, ये प्लास्टिक बॉटल में आता है जो कि आप देख सकते हैं। एंड इसका जो कलर है वो भी लैवेंडर ही कलर है और जैसा आप की देख सकते हैं ड्रॉपर के साथ आता है। क्यों लगाने के लिए प्रिकॉशन, सबसे पहले मैं इसके प्रिकॉशंस की बात करती हूँ। इसका प्लीज़ आप पैच टेस्ट कीजिए इसको यूज़ करने से पहले कि आपको ये रिएक्ट ना कर जाए और आपको कहीं पे इरिटेशन या फिर कुछ भी एलर्जिक टाइप ना हो इससे। क्योंकि ये जो एसिड्स होते हैं या फिर ये जो केमिकल पील होते हैं आपको ये अपनी स्किन को इनका यूज टू बनाना होता है, देन ओनली आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसमें जो प्रोपोर्शन है AHA एंड BHA का वो काफ़ी हाई है तो आप पहले इसको यूज़ करने से पहले आप अपनी स्किन को इसके यूज टू बनाइए जिससे कि आपकी जो स्किन है इसके मतलब यूज टू हो जाए, आपकी स्किन में इरिटेशन ना हो और आपकी स्किन को इचिंग ना हो या फिर कहीं से जले ना ऐसा कुछ। तो इसको यूज करने से पहले आपको अपनी स्किन को यूज टू बनाना होगा इसके, देन ओनली आप इसको यूज करना, मैं ऐसा आपको सजेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने इससे पहले ऑलरेडी यूज कर रही थी सुगंधा के बहुत सारे AHA एंड BHA वाले प्रोडक्ट्स, तो इसलिए मैंने इसको लिया, उनको यूज़ करने के बाद ही मैंने इसको लिया है। उनमें जो परसेंटेज होती है AHA की वो अप्रोक्स 2% होती है जो कि हमारी स्किन पे ठीक रहती है। जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी केमिकल पील अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन थोड़ी जलती है और आपकी स्किन में इरिटेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ एक अच्छा सनब्लॉक भी अप्लाई करना होता है। चाहे आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं या फिर नहीं भी जा रहे हैं बट आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही है और वो सनस्क्रीन एक अच्छे SPF के साथ होना चाहिए। सनस्क्रीन लगाना और अपनी स्किन को नरिशमेंट और हाइड्रेशन प्रोवाइड करते रहना है। तो ये था ऐसे लगाना है इसको कि यूसेज कैसे करना है इसका। नाउ कम टू द दिस पॉइंट कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मेरी स्किन स्मूथ तो लग रही थी बट उतना स्मूथ नहीं था जितना एक फिजिकल एक्सफोलिएंट से हो जाता है। और मतलब बहुत ही माइनर चेंजेस मुझे अपनी स्किन को टच करने में फील हो रहा था बट उतना नहीं हो रहा था जितना मेरा एक फिजिकल स्क्रब से भी हो जाता है। अब जैसे कि ऑर्डिनरी वाला केमिकल पील काफ़ी रेव करते हैं लोग बट मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया है। आई डोंट नो कि कैसा कंपैरिजन में कैसा रहेगा, मुझे नहीं पता। इट इज़ अ माई फर्स्ट टाइम, तो अगर मैं केमिकल पील से ही कंपेरिजन करूँ विद द फिजिकल स्क्रब तो इसका इतना स्मूथ नहीं किया इसने मेरी स्किन को जितना फिजिकल स्क्रब करते हैं। एंड मेरी स्किन स्मूथ लग रही थी, काफ़ी हद तक स्मूथ लग रही थी बट उसके कंपैरिजन में नहीं था। और सेकंड था कि मेरी स्किन को कहीं भी इरिटेट नहीं किया इसने और ना ही मेरी स्किन में कहीं भी इरिटेशन हो रही थी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया टचवुड इसके। और मैंने इसको अपनी एक्टिव एक्ने पे लगा लिया था तो तब मुझे इससे जलन हुई थी। तो मैं आपको सजेस्ट करी हूँ कि आप इसको एक्टिव एक्ने पे बिल्कुल ना लगाएं। एंड क्वांटिटी भी काफ़ी सही है और ये हफ्ते में सिर्फ आपको एक बार लगाना है। मैं आपको सिर्फ इसको दो बार यूज़ कर सकते हैं और वो भी मेक श्योर कि आप
वीक में दो बार से ज़्यादा ना लगाएं इसको, वीक में दो बार काफ़ी रहेगा और ये आपको लास्ट कर जाएगी काफ़ी टाइम तक। फुल पंप इसका पूरे फेस पे आपके अप्लाई हो जाता है और इसको अप्लाई करना भी इजी है। एंड मतलब जिन लोगों को माइल्ड वाला पसंद है ना, मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, यस मेरी स्किन स्मूथ तो हुई थी, मेरी स्किन ग्लो भी आया था, तो काफ़ी माइल्ड था। लाइक अगर आप इसको लॉन्गर रन में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेरे अपने स्किन में स्मूथनेस फील की थी। और इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें कोई भी ऐसे नैस्टी केमिकल्स नहीं है जो कि काफ़ी अच्छा बनाते हैं इसको, सभी जो फ्रूट के एक्सट्रैक्ट से एसिड आते हैं उन्हीं से ये बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि ये इंडिया में ही है, मेड इन इंडिया है, तो ये इंडियन ब्रांड भी है जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा इस टाइम पर, जैसे कि जिस सिचुएशन से हम जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे प्रोडक्ट। अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस पर, अगर केमिकल पील यूज़ करना है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट टू स्टार्ट ऑफ। एंड था मतलब एक केमिकल पील जो कि माइल्ड है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके स्किन के लिए भी, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे क्योंकि ये माइल्ड था मेरी स्किन पे। मुझे अपनी स्किन को ऐसे माइक्रो टीयर वाले लेवल पे कोई ब्रेकेज नहीं हुआ और मेरी स्किन एकदम स्मूथ थी और मेरी स्किन एकदम काम भी थी। तो इसको अप्लाई करने के बाद मैंने एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई किया था, सो दैट कि मेरी स्किन में इरिटेशन जो भी हुई है वो एकदम काम हो जाए। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे ये। अगर आप कोई केमिकल पील देख रहे हैं तो इंडियन मार्केट में बहुत सारी केमिकल पील आ चुकी हैं, जैसे कि एक ये है डॉटन की का। सो दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।